नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एलडीसी एग्जाम में पूछे गए 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन। इस क्वेश्चन में फ्रेज और इडियम का बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग सिलेक्ट करना है। टू गेट ओवर इट, कैंडिडेट्स गेट से बने फ्रेजेस को जरूर लर्न कर लें। इसे न्यूमोनिक मेथड या सेंटेंस स्ट्रक्चर की सहायता से लर्न करने का प्रयास करें। गेट ओवर, गेट मीन्स पाना, ओवर मीन्स पर, किसी चीज को प्राप्त कर लेना अर्थात विजय पाना। तो गेट ओवर मीन्स कम ओवर और रिकवर फ्रॉम इलनेस, शॉक और डिफिकल्टी एक्सेट्रा, किसी बुरी घटना जैसे बीमारी, परेशानी इत्यादि से बाहर निकलना। इस फ्रेज का सही आंसर ऑप्शन ए है। टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन। गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजेज गेट ऑन। गेट ऑन में गेट मीन्स पाना, ऑन मीन्स जारी रखना, अर्थात कोई चीज आप प्राप्त करना जारी रखते हैं। गेट ऑन का इंप्लाइड मीनिंग टू प्रोग्रेस। गेट थ्रू में गेट मीन्स पाना, थ्रू मीन्स इस पार से उस पार। गेट थ्रू मीन्स जब आप कुछ इस पार से उस पार तक प्राप्त कर लेते हैं अर्थात पूरा करना, सफल होना। तो गेट थ्रू मीन्स पास थ्रू और सक्सीड। गेट अप मीन्स राइज फ्रॉम बेड, जगना या उठना। गेट अवे में गेट मीन्स पाना, अवे मीन्स दूर करना, अर्थात जब आप प्राप्त की हुई वस्तु को हटा देते हैं, अर्थात गेट अवे मीन्स एस्केप। गेट रीड ऑफ में रीड मीन्स छुटकारा, तो गेट रीड ऑफ मीन्स बुरी चीज से छुटकारा पाना। टू ड्रॉप, टू डिसमिस, टू डिस्पोज ऑफ। गेट अहेड में अहेड मीन्स आगे, तो गेट अहेड मीन्स आगे बढ़ जाना। टू गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर टू। यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई विश आई न्यू व्हाट वॉज रॉन्ग विद माई डॉटर। यह सेंटेंस सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट होगा। इस क्वेश्चन का सही ग्रामेटिकल लॉजिक है। ए, टू एक्सप्रेस रिग्रेट विश फॉर ए प्रेजेंट सिचुएशन, आई विश के बाद सेंटेंस सिंपल पास्ट वी टू और वर का होगा। जैसे आई विश आई वर रिच मींस आई एम सॉरी आई एम नॉट रिच। आई विश के जगह would that, I would, if only, काश इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। To express unlikely condition, unreal और unlikely condition के लिए sentence if plus simple past V2 या were और second sentence subject plus would plus verb का होता है। यदि inversion किया जाए तो if is equal to were, सेंटेंस शुरू होगा वर प्लस सब्जेक्ट प्लस और सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर। इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम के बाद का सेंटेंस भी सिंपल पास्ट भी टू या वर का होता है। तो ध्यान दीजिए, जब वाक्य से सब्जंक्टिव मूड का भाव व्यक्त हो तो ऐसे वाक्यों को सिंपल पास्ट भी टू या वर का प्रयोग करते हैं। आई विश के बाद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई विश के बाद जब सपोजिशन प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हो तो आई विश के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश आई हैड अ गन। और जब कभी आई विश के बाद पास्ट सिचुएशन का सब्जंक्टिव मूड हो तो आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आई हैड हैड ए गन। क्वेश्चन नंबर थ्री। यह क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। एक्सट्रीम एनजाइटी सोरो और पेन मींस अत्यधिक चिंता, दुख या तकलीफ को डिस्ट्रेस कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रेस, दुख या पीड़ा। बाकी ऑप्शन के मीनिंग देखिए। पीक, वैक्सेशन, सैग्रिन, तीनों वर्ड्स का अर्थ है खीज, नाराजगी, असंतोष, क्रोध, रिसेंटमेंट, इरिटेट,
वैक्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर फोर, इस क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस में किसी दो ऑप्शंस को इंटर रिलेट कीजिए। इस क्वेश्चन में वन फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए इसके बाद निश्चित रूप से वर्ब आएगा। वर्ब वाला ऑप्शन केवल पी में है, इसलिए यह वाक पी से शुरू होगा। ऑप्शंस में पी से शुरू ऑप्शन सी और डी है। अब देखना है कि पी के बाद क्यू या आर होगा। पी के बाद क्यू होगा क्योंकि आर में वाक्य का पार्ट ऑफ प्लस नाउन से शुरू है और हम लोग जानते हैं कि पजेशन के लिए नाउन ऑफ नाउन होता है जो क्यू में है। इसीलिए सही आंसर पी क्यू आर होगा जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इस क्वेश्चन में गिवन वर्ड का सिनोनिम चूज करना है। डेयर मींस चुनौती देना। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए कोहोट मींस समान हितों वाला एक समूह या दल या दस्ता या सहयोग। ऑप्शन बी टॉन्ट मींस किसी का मजाक उड़ाना। ऑप्शन सी पैट्रोनाइज मींस संरक्षण देना। ऑप्शन डी चम मींस साथी दोस्त रूममेट। इस चारों ऑप्शंस में डियर का सिमिलर वर्ड कोई नहीं है। डियर का सिमिलर वर्ड होता है वेंचर, हैव करेज, चैलेंज। कैंडिडेट्स ध्यान दे, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना सही रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन में डियर का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इस क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को रीअरेंज करके कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेवन डिकेट्स एगो, सात दशकों पहले, यह एडवर्बियल फ्रेज है। इसके बाद सब्जेक्ट का प्लेस होना चाहिए। पी क्यू और आर में केवल पी में सब्जेक्ट ऑरवेल से शुरू है, इसलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस निश्चित रूप से पी से ही शुरू होगा। दिए गए ऑप्शंस में केवल सी ऑप्शन ही पी से शुरू है, इसीलिए सही अरेंजमेंट पी आर क्यू होगा जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इस क्वेश्चन में वेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज सेलेक्ट करना है। अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड अब्रोज। अर्थ है त्वचा का कटा हुआ वह भाग जिसमें ब्लड की कोशिकाएं टूट गया हो। एक खरोच। ऑप्शंस है ऑप्शन ए पस्ट्यूल मींस फुंसी, ऑप्शन बी नर्ल मींस गांठ, ऑप्शन सी कंट्यूजन मींस भीतरी चोट, ऑप्शन डी ट्यूमर मींस गिल्टी या घाव। ऑप्शन सी सही आंसर है, कंट्यूशन वैसी चोट जिसमें त्वचा का कोई नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एट, इस क्वेश्चन में फ्रेज और इडियम का बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग सिलेक्ट करना है। द क्वेश्चन इज टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गेट अप मींस राइज फ्रॉम बेड, उठना या जगना। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मींस बिछावन के गलत भाग से। इस इडियम का लिटरल मीनिंग है बिछावन के गलत भाग से उठना, लेकिन इंप्लाइड मीनिंग है सुबह से ही मिजाज बिगड़ा होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टू स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग मींस बैड मूड में दिन की शुरुआत करना जो पूरे दिन तक रहे। क्वेश्चन नंबर नाइन, इस क्वेश्चन में दिए गए वर्ड का ऑपोजिट चूज करना है। स्नैग, इसे निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं। स्नैग मीन्स सामने नाग। सामने नाग हो तो आप कैसा फील करेंगे, बाधा, परेशानी, कठिनाई इत्यादि। तो स्नैग का सिमिलर वर्ड है हडल, बग और ग्लिच। चारों ऑप्शंस में केवल ऑप्शन बी बून बचा हुआ है, यही स्नैग का ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर टेन,
इस क्वेश्चन में दिए गए वर्ड का सिनोनिम चूज करना है। डिल्यूड, इस वर्ड में ल्यूड शब्द जुड़ा है। यह वर्ड लैटिन रूट ल्यूडियर से बना हुआ है। ल्यूडियर मीन्स टू प्ले। इससे बने कुछ शब्द हैं प्रील्यूड, प्री मीन्स पहले, ल्यूड मीन्स प्ले, अर्थात स्पीच बिफोर द प्ले मीन्स इंट्रोडक्शन। डिल्यूड मीन्स धोखा देना, टू डिसीव, टू हुडविंग, टू चीट। एल्यूड मीन्स संकेत करना, टू रेफर, टू इम्प्लाई। कोल्यूड मीन्स साठगांठ, टू प्लॉट, टू कंस्पायर। तो डिल्यूड का सही सिमिलर वर्ड है ऑप्शन ए हुडविंग। बाकी ऑप्शंस का अर्थ देखिए, कंसेशियस, स्क्रूपलस, इन दोनों का अर्थ है काम के प्रति ईमानदार एवं सजग। बोनाफाइडी, बोनाफाइडी में दो लैटिन वर्ड्स है। बोना मीन्स गुड, बोना का ऑपोजिट माल MAL मीन्स बैड होता है। फाइड एक लैटिन वर्ड फीडियर से बना हुआ है जिसका अर्थ है फेथ, ट्रस्ट। फीडियर से बहुत सारे शब्द बनते हैं जैसे फिडिलिटी, इनफिडिलिटी, कन्फाइड, कन्फिडेंस, कन्फिडेंट एटसेट्रा। इसीलिए बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे का पैसिव बनाना है। इसका पैसिव होगा एन एसे इज बीइंग रिटन बाय द कैंडिडेट्स, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पुट करेंगे और इज आर एम प्लस वी फोर को इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री में बदलेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है जिसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन इज, बंटी सेड आई हैव डन माई क्लास वर्क। इनडायरेक्ट में बदलते समय बंटी सेड के बाद कॉमा की जगह दैट लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट बंटी से चेंज करेंगे। आरएस के हैव को हैड में बदलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 13 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। इफ आई जस्ट हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द कार। यह क्वेश्चन अनफुलफिल्ड कंडीशन का है। अनफुलफिल्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इन्वर्जन होने पर इफ इज इक्वल टू हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, और नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि दिए गए क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से होगा। इंप्रूवमेंट का सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लिया होता। अतः जस्ट हैड की जगह हैड हैड होगा, जो किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। कैंडिडेट्स को ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ देना सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। डिलीजेंस मीन्स मेहनत। ऑप्शन ए लेथार्जी मीन्स आलस, या डिलीजेंस का सही ऑपोजिट है। ऑप्शन बी एग्जर्शन मीन्स प्रयास। ऑप्शन सी वीगर मीन्स ऊर्जा एवं उत्साह। ऑप्शन डी एसी ड्यूटी मीन्स मेहनत। डिलीजेंस का ऑपोजिट ऑप्शन ए लेथार्जी है, और डिलीजेंस का सिमिलर वर्ड ऑप्शन डी एसी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है। द रीलोकेशन ऑफ द कार फैक्ट्री टू आवर स्ट्रगलिंग टाउन इज एन इकोनॉमी डैश। हमारे संघर्षशील शहर के लिए कार कारखाने का स्थानांतरण एक आर्थिक डैश है। ऑप्शन ए बून मीन्स वरदान, गुड मीन्स अच्छा, डोनेशन मीन्स दान या चंदा, और ऑप्शन डी
प्रेजेंट मीन्स उपहार। अर्थ के अनुसार सही आंसर ऑप्शन ए बून है। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। ऑप्शन ए थ्रेसर। इस वर्ड में लास्ट ई नहीं होगा। थ्रेसर मीन्स वन हु थ्रेसेस और अ काइंड ऑफ बर्ड। ऑप्शन बी फिफडम्स। फिफडम्स में एफ ई का ई हटेगा। यह वर्ड एफ आई ई एफ फिफ में डम जोड़कर बनाया गया नाउन है। फिफडम्स मीन्स जमींदारी। ऑप्शन सी स्निफिंग। इस वर्ड में दो एफ होगा। एस एन आई एफ एफ में आई एन जी जोड़कर बनाया गया यह शब्द है जिसका अर्थ है शुंगना। और ऑप्शन डी स्क्वास्ट यह सही वर्ड है। स्क्वास्ट मीन्स निचोड़ दिया कुचल दिया क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों में एरर फाइंड आउट करना है। यदि सेंटेंस एरर ना हो तो आंसर ऑप्शन डी नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। हर हार्ट वॉज पाउंडिंग एज ही स्टॉप फ्रंट ऑफ हर। इस वाक्य में फ्रंट ऑफ की जगह इन फ्रंट ऑफ होगा। सेंटेंस का अर्थ है उसका दिल धड़क रहा था जैसे ही वह उसके सामने रुका। इस क्वेश्चन का एरर ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 18। ही ओनली प्लेज ए सब्सिडी रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटेंस में एडवर्ड ओनली का प्लेस उपयुक्त स्थान पर नहीं है। ओनली को प्ले के बाद रखा जाना चाहिए क्योंकि यह रोल के अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस का अर्थ है वह इस संगठन के मैनेजमेंट का केवल एक सहायक भूमिका अदा करता है। ध्यान दे एडवर्ड्स ओनली इवन ऑलमोस्ट और एटलीस्ट का स्थान उसी पार्ट्स ऑफ वर्ड के पहले होता है जो अर्थ को मॉडिफाई करता है। जैसे ओनली सीता सिंह मीन्स सिर्फ सीता ने गाया अर्थात और किसी ने नहीं गाया। सीता ओनली सिंह मीन्स सीता ने सिर्फ गाया अर्थात उसने कोई और काम नहीं किया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करके ब्लैंक में फिल करना। माई ग्रैंड मदर्स एक्सरसाइज रेजिम इज टू वॉक द मॉल एट अ डैश पेस। इस सेंटेंस का अर्थ है मेरी दादी की व्यायाम तरीका एक डैश गति से मॉल तक जाना है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए पोटेंट मीन्स शक्तिशाली प्रभावकारी। ऑप्शन बी ब्रिस्क मीन्स तेज फुर्तीला। ऑप्शन सी स्ट्रांग मीन्स मजबूत। ऑप्शन डी वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण या जीवंत। इन चारों ऑप्शंस में केवल ऑप्शन बी ब्रिस्क सटीक आंसर है। एट अ ब्रिस्क पेस मीन्स तेज गति से। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इंसोलेंट। इस वर्ड में लास्ट ई हटेगा। इंसोलेंट मीन्स उदंड एवं अभिमानी। ऑप्शन बी सैफायर। इस वर्ड में दो पी होगा। सैफायर मीन्स नीलम पत्थर। ऑप्शन सी इमर्स्ड यह करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसका अर्थ है डूबा हुआ। ऑप्शन डी पेपरोनी। इस वर्ड में बीच में दो पी होगा। पेपरोनी एक मसालेदार मांसाहारी व्यंजन है इसलिए करेक्ट स्पेलिंग केवल ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है। डैश रीडर कैन ऐड टू द लिस्ट एंड टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए न्यू इथिकल एंड मोरल पॉलिटिक्स। 21 के ऑप्शंस को ध्यान से सॉर्ट आउट करने पर आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए रीडर के पहले वन रखने पर वाक गलत हो जाएगा क्योंकि केवल एक रीडर को लिस्ट में जोड़ने की बात नहीं है। लिस्ट मीन्स एक से ज्यादा वस्तुओं की सूची। ऑप्शन बी
रीडर के पहले सम का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि सम के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ऑप्शन सी, रीडर के पहले इच लगाना सही है क्योंकि लिस्ट में प्रत्येक रीडर को जोड़ने की बात है। इच मींस दो या दो से अधिक में प्रत्येक। अतः फिलर गैप 21 में ऑप्शन सी इच सही आंसर है। ऑप्शन डी, रीडर के पहले एनीवन नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि एनीवन एक प्रोनाउन है जिसका प्लेस अकेले या ऑफ प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन सी आंसर सही है। क्वेश्चन 22 में रिक्वायर्स वर्ब के पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन का आना निश्चित है जिसका एंटीसीडेंट मोरल पॉलिटिक्स है। ऑप्शंस में विच सही रिलेटिव प्रोनाउन है जो ब्लैंक 22 में सटीक होगा। इसलिए 22 का सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट आई विश टू ऐड इज अ डैश। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए फियर मींस भय, ऑप्शन बी पैनिक मींस घबराहट खलबली, ऑप्शन सी वार्न मींस चेतावनी देना, ऑप्शन डी कैवियट मींस चेतावनी। सही ऑप्शन डी कैवियट होगा। ऑप्शन सी में वार्न की जगह वार्निंग होता तो यह भी सही होता क्योंकि वार्न एक वर्ब है जबकि वार्निंग एक नाउन की तरह काम करता है जो ए एन के बाद सटीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पैसेज देखिए, दे रिक्वायर अ रिगर एंड एन इन्वेंटिवनेस डैश इथिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शंस को देखें, इस ब्लैंक में सही ऑप्शन ऑफ होगा क्योंकि इन्वेंटिवनेस के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इन्वेंटिवनेस मीन्स आविष्कारशीलता। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट एडमायर द इन्वेंटिवनेस ऑफ द मॉडर्न एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैश न्यू एक्सपेरिमेंट्स विद द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड हीलिंग इन इंडिया। ऑप्शन है नेसेसिटेट मीन्स जरूरी बना देना, आस्क मीन्स पूछना, टेक मीन्स लेना, अवलाइज मीन्स आभारी होना। ब्लैंक 25 के पहले रिलेटिव प्रोनाउन है इसीलिए ब्लैंक में कोई वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसलिए ब्लैंक 25 में ऑप्शन ए नेसेसिटेट सही आंसर है। अगर ऑप्शन डी ऑब्लाइज की जगह ऑब्लिजेट होता तो यह भी सही होता क्योंकि ऑब्लाइज मींस आभारी होना और ऑब्लिगेट मींस बाध्य होना। सेंटेंस का अर्थ है, जो भारत में सच्चाई और आरोग्यकर की आइडिया से नई प्रयोगों को जरूरी बना देता है या बाध्य बना देता है। इस तरह LDC का प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त हुआ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट। गॉड ब्लेस यू।